लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। भारतीय किसान संघ किसानों को उसके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर 8 सितंबर 2021 दिन बुधवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री एवं श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय किसान संघ की मांग रही है कि किसानों को उसकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलेगा, तब देश का किसान सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज तक किसी भी सरकार ने किसानों को उसके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण कृषि आदान जैसे खाद बीज कीटनाशक बेचने वाले तथा किसानों के उपज को खरीदकर व्यापार करने वाले अपने माल को अधिकतम मूल्य में बेच कर माला माल हो रहे हैं। वहीं हाड़तोड़ मेहनत कर फसल पैदा करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता, जिसके कारण किसान दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान परिवार सहित आत्महत्या जैसे कदम उठाने विवश हुए हैं। भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य इस मांग को लेकर के सरकार कानून बनाए, इसके लिए पूरे देश भर में सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने वाले हैं। अपने छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में भी धरना देने वाले हैं। अपने यहाँ प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर हम ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से बिजली कटौती हो रहा है उसको दूर करने की बात है, साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करके सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और जो 9,000 प्रति एकड़ देने की बात कही है उसको बढ़ाकर 20,000 प्रति एकड़ देना चाहिए, ऐसी अपनी मांग है। साथ ही खरीदी की व्यवस्था ठीक हो जाए, इसके लिए भी बात अपन ने रखा है ज्ञापन में, सारा विषय है। केंद्र सरकार से मांग यही है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए कोई ठोस योजना बनाए, ऐसा कानून बनाए कि यदि कोई मूल्य तय होता है और उसके बाद आदान सामग्री की दरों में वृद्धि हो जाती है तो महंगाई को जोड़ करके भी और उसका मूल्य देना चाहिए। साथ ही जो एक बार तय हो गया उससे किसान कहीं भी उसकी फसल खरीदे, चाहे मंडी में हो, चाहे सरकार खरीदे, चाहे बाजार के बाहर, जो मूल्य तय हो गया उससे कम में खरीदी ना हो, उसकी व्यवस्था हो जाए, इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए और समर्थन उसके मूल्य से कम में खरीदी को एक अपराध मानते हुए उस पर कार्रवाई करने की भी व्यवस्था करना चाहिए। जो प्रदेश में कितने किसान इसमें शामिल होंगे? प्रदेश में लगभग कितने किसान शामिल होंगे? अनुमान है कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए प्रशासन से हमने अनुमति मांगी है, जैसे यहाँ ज़्यादा नहीं तो 300 कहा तो कहा कि 300 भी नहीं कर सकते, तो 100-200 ऐसे जहाँ जहाँ जितनी अनुमति मिलेगी उसके हिसाब से और सभी जिलों में अपने सदस्य रहने वाले हैं। तो अपना पूरा परिचय बता दें। तुलाराम, भारतीय किसान संघ संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश।